उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के क्षेत्र में प्लॉट खरीदने की सोच रहे हैं तो जरा सावधान हो जाएं। इस खबर को पूरा देखें, ये खबर आपके काम की है। उधम सिंह नगर के गदरपुर, कालीनगर, विजयनगर में भूमाफियाओं द्वारा प्लॉट खरीदारों को लोक लुभावने सपने दिखाकर खूब ठगा जा रहा है। मामला गदरपुर के कालीनगर, विजयनगर का है, जहाँ भूमाफियाओं द्वारा बिना रजिस्ट्रेशन व बिना नक्शा पास कराए धड़ल्ले से प्लॉटिंग का कार्य किया जा रहा है। घर ने ये बनाए, वहीं पे जा रहा है पानी। कोई निकासी है नहीं यहाँ पे? ना ना, पानी निकासी नहीं है। और आज बारिश जब होती है तब लोगों के घर में, हमारे घर में पानी भर गया। एक बार तो जब 2000 लॉकडाउन में जब बाढ़ आई थी, सबके घर में पानी भरा। आके रह रहे हैं अभी, बच्चों को स्कूल जाने के लिए बहुत परेशानी। रोड इतना खराब है, जिसने प्लॉट दिया था उन्होंने भी बोला कि रोड देंगे, नाली देंगे, रोड तो दिया नहीं। अब बोल रहे हम नहीं दे पाएंगे, इतना लंबा रोड कैसे दे पाएंगे। ऐसे कई बार हम लोगों ने जाके बोला उनपे, उन्होंने बोला कई लोग, हम लोग वहाँ पे जाके बोला सब लोगों ने कि रोड। आपने प्लॉट किससे लिया? आपने? हमने योगेश मंडल से प्लॉट लिया था। क्या था? योगेश मंडल से। 5-6 साल हो चुके हैं और यहाँ पे हर बारिश में हमें दिक्कत का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि बच्चे लोग जो स्कूल जाते हैं उन्हें जैसे पानी भर जाता है तो कई बार छुट्टियाँ करनी पड़ती है हमें बच्चों की, और इससे पढ़ाई हमारा बच्चे का ख़राब हो जाता है। फिर हमारे जो गाड़ी हैं वो फंस जाते हैं वहाँ पर, नाली है जो। जब आपने कालीनगर से जब प्लॉट लिया था तो उसने क्या क्या वादा किया था आपसे? जब हमने प्लॉट लिया था तो उसने बोला था रोड और नाली देंगे, लेकिन जब हमने उससे बोला सब प्लॉट बिक चुके हैं तो अब वो बोलता है कि हमने नाले और वो बोला ही नहीं था, हमने लिख के नहीं दिया है तुम्हें, ये बोलता है। तो हमने बोला ये कौन बनाएगा? तो बोलते हैं कि आप आने वाली सरकार बनाएगी, जो चुनाव तुम जिसको वोट देते हो वो बनाएगी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।